हम जापान के इस एयरपोर्ट को समुद्र में डूबने से रोकने की कोशिश करेंगे। वाव, ये तो कमाल है। ये है इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग ब्लंडर्स फिक्स्ड। 2 करोड़ की आबादी वाला असाका जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहाँ किसी कैंपर वैन को पार्क करने लायक जगह भी मुश्किल से होगी। ऐसे में जब शहर को एक नए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी तो किसी ने एक बड़ा ही अजीब सा आइडिया दिया, क्यों ना इसे समुद्र में बना लिया जाए। और इन लोगों ने किया भी ऐसा ही। चार किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा और 1.25 किलोमीटर चौड़ा कैंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आइलैंड पूरी तरह इंसानों का बनाया हुआ है। ये एक दिलचस्प कहानी है जिस पर कुछ वक्त से मेरी नजर है। जब ये पूरा हुआ तो इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बताया गया और मैं ये देख सकता हूँ। सभी इंजीनियर एक बात पर सहमत होते हैं, समुद्र की नर्म और लगातार हिलते तल पर कभी कुछ मत बनाओ। तो फिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे? सबसे पहले उन्होंने नर्म क्ले में परमीबल सैंड के 10 लाख कॉलम बनाए। इसके बाद इनके ऊपर उन्होंने मिट्टी की एक मोटी परत बनाई जिसने पानी को क्ले से बाहर रेत में निकालकर निर्माण के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर दिया। इस आइलैंड की बाहरी दीवार बनाने के बाद इंजीनियर्स ने जापान के 3 बड़े पहाड़ों को ऊपर से तराश कर 180 मिलियन क्यूबिक मीटर्स मिट्टी निकाली ताकि ये आइलैंड बनाया जा सके। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है, लेकिन इसके साथ एक और भी हैरतअंगेज समस्या जुड़ी है। आपको पता है, शुरू होने के सिर्फ 7 साल बाद ये प्रशांत महासागर में करीब 12 मीटर धंस चुका था, यानी किसी 4 मंजिली इमारत के बराबर, और ये आज भी धंस रहा है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एयरपोर्ट फिलहाल तो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आखिर इसके धंसने की वजह क्या है? तो अब पता चला कि एयरपोर्ट के नीचे वाली क्ले की 2 अलग अलग परतें हैं। ऊपर वाली परत सॉफ्ट क्ले की है और उसके नीचे वाली हार्ड क्ले की। इंजीनियर्स ने पहले ही बताया था कि एयरपोर्ट धीरे धीरे धंसेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हार्ड क्ले की लेयर भी इतनी जल्दी दबने लगेगी। इससे भी बुरी बात ये, क्योंकि क्ले की परतें असमान हैं, इसीलिए एयरपोर्ट भी असमान रूप से धंस रहा है। एयरपोर्ट के नीचे बहुत सारे एडजस्टेबल पिलर्स हैं, जिन्हें पूरे एयरपोर्ट को एक समान बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, और हर पिलर का अपना एक अलग जैकिंग सिस्टम भी है। क्योंकि नीचे मौजूद जमीन लगातार जगह बदलती रहती है, इसीलिए इन लोगों को हर 2 महीने में हर पिलर को एकदम सटीक ढंग से एडजस्ट करना पड़ता है। पिलर को ऊपर उठाने के बाद ये लोग गैप को भरते हैं स्टील प्लेटों से, जो एक पुराना और भरोसेमंद तरीका है। यहाँ तो दीवारें भी खिसक सकती हैं। और जरा इन फ्लेक्सिबल पाइप्स को देखिए, हर चीज को बिल्डिंग के मूव करने के हिसाब से बनाया गया है। कैंसाई एयरपोर्ट जहां बनाया गया है उस जगह को चुनने में भारी गलती हुई, लेकिन इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ कमाल के समाधानों ने मदद की और समस्या सुलझाई। खुशकिस्मती से समुद्र में कैंसाई के धंसने की रफ्तार धीमी हुई और उम्मीद है कि ये पूरी तरह समुद्र में धंस नहीं जाएगा। ये है इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग ब्लंडर्स फिक्स्ड।